हेलो स्टूडेंट्स, तो इस वीडियो का जो हम लोग का टॉपिक है वो है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो देखिए, हमने अपने पिछले वीडियो में जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में जो है डिस्कस किया था, और उसमें जो है हमने जमशेदपुर के बारे में जाना था। जमशेदपुर में जो आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है उसके बारे में जाना था, और वर्ल्ड वाइड जो है हमने जो है पिट्सबर्ग के आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में जो है जाना था। और साथ में हमने ये भी जान लिया था कि आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जो आयरन स्टील ये सब कैसे बनता है, तमाम चीज़ें हमने अपने पिछले वीडियो में जाना था। इस वीडियो में जो है हम लोग कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में जो है जानने वाले हैं। तो सबसे पहली बात, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री होता क्या है? तो देखिए, जिस इंडस्ट्रीज में जो है क्लोथ्स बनते हैं, ठीक है, तो उनको जो है हम लोग क्या कहते हैं, मतलब जैसे कि कॉटन से जिस इंडस्ट्री में जो क्लोथ बन रहे हैं, ठीक है, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री कहेंगे, ठीक है। तो अब देखिए, अब जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री होते हैं, ठीक है, तो अब मान लीजिए कि क्लोथ्स बनाने हैं, तो अब क्लोथ्स बनाने हैं तो इसके लिए जो है रॉ मटेरियल भी चाहिए। तो जब हम लोग आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे, तो उसमें हमने ये भी जाना था कि जो है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री में जो है रॉ मटेरियल कौन कौन से लगते हैं, ठीक है। इसी तरीके से कोई भी जो इंडस्ट्री है उसमें जो है रॉ मटेरियल तो लगते हैं, ठीक है, और उसी रॉ मटेरियल का जो फिनिश प्रोडक्ट है वो जो है बनता है। तो आखिर हम लोग देखिए, जो आयरन एंड जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, इसके जो रॉ मटेरियल होते हैं वो भी जो अलग अलग होते हैं। एक जो है नेचुरल रॉ मटेरियल जो होता है, ठीक है, और एक मैन मेड रॉ मटेरियल होता है, ठीक है। नेचुरल रॉ मटेरियल जैसे कि वूल, सिल्क, कॉटन, लिनन, जूट, ठीक है। तो जो वूल सिल्क है ये जो किससे मिलता है, एनिमल से मिलता है, ठीक है। वही जो कॉटन, लिनन और जो जूट है ये जो किससे मिलता है, प्लांट से, ठीक है। इसके जो क्रॉप्स को ग्रो किए जाते हैं तब जो ये हम लोग को मिलता है। मैनमेड रॉ मटेरियल की हम बात करें तो वो हो गया नायलॉन, ठीक है, पॉलिएस्टर, आर्किलिक और फिर रेयन, ठीक है। तो ऐसे ये जो मतलब जो मैनमेड रॉ मटेरियल्स होते हैं, यानी कि वो रॉ मटेरियल जिससे जो मैनमेड ह्यूमंस के द्वारा बनाया गया है, ठीक है, उसके द्वारा जो है क्लोथ्स बन रहे हैं, कपड़े बन रहे हैं, ठीक है। तो आपने देखा होगा जैसे कि जो प्लास्टिक टाइप का जो क्लोथ्स होते हैं, ठीक है, तो वो जो है जिसमें जो केमिकल्स ये सब चीज़ का यूज़ किया जाता है, तो वो जो है क्या होते हैं, मैनमेड जो है मतलब मैनमेड जो रॉ मटेरियल होते हैं उनके द्वारा जो उस क्लोथ को बनाया जाता है। नेचुरल रॉ मटेरियल में जैसे कि जो वूल है, ठीक है, जो वूल से, सिल्क से, कॉटन से, ठीक है, और लिनन से, जूट से, इनसे जो क्लोथ्स बनते हैं, ठीक है, इनको हम क्या कहते हैं, मतलब ये जो क्लोथ्स हैं ये किससे बने, इसके जो रॉ मटेरियल है वो कहाँ से आएँ, नेचर से आएँ, ठीक है, इसलिए हम लोग इसको नेचुरल रॉ मटेरियल्स कहते हैं। तो हम लोग का जो टॉपिक है वो बेसिकली क्या है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री। तो इसमें हम जो है हम लोग बेसिकली फोकस इसके करने वाले हैं, कॉटन पे करने वाले हैं। अब कॉटन की हम बात करें तो कॉटन क्या है, जो है किसी भी टेक्सटाइल इंडस्ट्री का एक रॉ मटेरियल है। कॉटन आता है किस में, नेचुरल रॉ मटेरियल में आता है। और हम किस में जो है हम लोग टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में नहीं जानने वाले, हम लोग जानने वाले हैं कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। जिस इंडस्ट्री में जो कॉटन जो मतलब रॉ मटेरियल होता है उससे जो क्लोथ्स बनते हैं, तो इसको जो हम जानने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हम आकर हम बात करें टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, ठीक है, कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री की, टेक्सटाइल इंडस्ट्री की। तो ये जो इंडस्ट्रीज होते हैं इसे बहुत ज़्यादा ओल्ड होते हैं। तो देखिए, आज हम बात करें तो अब आज क्या है, आज जो है क्लोथ्स बन रहे हैं कॉटन से, तो वो जो आज इंडस्ट्रीज में जो बनते हैं, ठीक है, लेकिन बहुत पहले भी जो है लोग कपड़े पहना करते थे, ठीक है, और वो भी जो कॉटन से जो बना करते थे, ठीक है। तो वहाँ पे जो उस टाइम पे पहले तो इंडस्ट्रीज हुआ नहीं करती थी, तो फिर पहले जो क्लोथ्स बनते कैसे थे, ठीक है। तो देखिए, पहले जो क्लोथ बनते थे स्पिनिंग व्हील से, ठीक है, जो चरखा होता है, ठीक है, उसे जो है पहले क्या बनाया जाता था, कॉटन से जो है क्लोथ्स बनाया जाता था, ठीक है। तो फिर कहा कि जो हम लोगों को जो यहाँ पे इवोल्यूशन देखने को मिल रहा है, ठीक है, जो चेंजेस देखने को मिल रहे हैं, ठीक है, कि जब बहुत पहले था तो बहुत पहले जो है क्लोथ किससे बनते थे, स्पिनिंग व्हील से बनते थे। आजकल हम बात करें तो आज जो है पावर लूम आ गए हैं, ठीक है, यानी कि जो मशीन जो कि इलेक्ट्रिसिटी से चल रहे हैं, ठीक है, और जो बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज जो है बन रही है, ठीक है, किसके लिए, जो क्लोथ्स बनती है उसमें, ठीक है, मतलब जो है उन इंडस्ट्रीज में क्लोथ बनते, लेकिन पहले जो है स्पिनिंग व्हील से जो है क्या बनाया जाता था, क्लोथ्स को बनाया जाता था, ठीक है। तो अगर हम इंडियन क्लोथ की बात करें खासकर, ठीक है, तो जैसे कि बहुत लोग को पता होगा कि जो इंडियन क्लोथ्स है, ठीक है, उनके जो वर्ल्ड वाइड हाई डिमांड है, ठीक है। इनफैक्ट जो ब्रिटिशर्स थे, ठीक है, यूरोपियन जो ट्रेडिंग कंपनी, ठीक है, वो भी जो है इंडिया के जो कॉटन खरीदती थी और जो यूरोप के मार्केट में जो है ले जाके बेचा करती थी, ठीक है। तो इससे आप खुश हो सकते हैं कि इंडिया की जो कॉटन थी, ठीक है, या फिर कहते तो इंडिया की जो क्लोथ थी उनकी जो है कितनी ज़्यादा जो है डिमांड थी।
ठीक है। तो देखिए अब इंडिया में या तो स्पिनिंग व्हील से जो बनता था या फिर जो हाथ से जो वीविंग किया जाता था उससे जो बनाया जाता था, ठीक है, यानी कि हाई डिमांड थी तो हाथ से भी जो इसको बनाया जाता था, ठीक है। अब देखिए अब जैसे कि पहले क्या था, पहले जो है जो पाकिस्तान, बांग्लादेश, ठीक है, ये सब जो एरिया था, म्यांमार, ये इन सबको जो मिला के जो है इंडिया कहा जाता था, ठीक है। तो जैसे कि जो मुस्लिम्स जो है ढाका के, ठीक है, ढाका का है बांग्लादेश में, बांग्लादेश भी पहले जो है इंडिया का ही पार्ट हुआ करता था, ठीक है। तो वहाँ जो ढाका के जो मुस्लिम्स होते थे वो जो है बहुत ज़्यादा मतलब हाई क्वालिटी के जो है क्लोथ को जो है बनाया करते थे, ठीक है। फिर चिंट ऑफ मुस्लिम पट्टनम, ठीक है, नाम ये भी जो बहुत हाई क्वालिटी के जो क्लोथ बनाए जाते थे, ठीक है। फिर कैलिकस जो कि कैलिकट में रहते थे, ठीक है, ये भी जो हाई क्वालिटी के जो क्लोथ बनाए करते थे, ठीक है। तो अब आप खुश हो सकते हैं कि जो यूरोपियन कंट्रीज थी, ठीक है, यूरोपियन कंट्रीज है अगर हम एशियन कंट्रीज और उस टाइम पे यूरोपियन कंट्रीज़ के मुकाबले हम देखें तो यूरोपियन कंट्रीज है ज़्यादा एडवांस थी, ज़्यादा डेवलप थी, ठीक है। तब भी वो लोग जो क्लोथ्स कहाँ से लेते थे, जो इंडिया है, ठीक है, तो इंडिया से जो वो क्लोथ्स ले जाते थे और फिर जो वहाँ पे जो ट्रेडिंग कंपनीज थी और फिर वहाँ पे जो है ले जाके जो है बेचा करते थे, ठीक है। इसके बहुत सारे रीजन्स है जिनको जो हमने अपने प्रीवियस वीडियोज में जो जान भी रखा है, ठीक है। एक तो सबसे पहले जो कॉटन है, ठीक है, या फिर जो कहे तो जो क्लोथ है तो इनका जो कलर है, ठीक है, तो पहले कलर जो है इंडिया में जो इंडिगो से दिया जाता था, ठीक है। तो इंडिगो जो जिससे जो है बहुत मतलब जो है लाइट ब्लू कलर जो आता था, ठीक है, और जिससे जो क्लोथ्स होते थे वो और ज़्यादा अट्रैक्टिव लगते थे। और भी बहुत सारे रीजन थे, ठीक है, जिसके ऊपर जो मैंने स्पेसिफिक वीडियोस बना रखे हैं, ठीक है, जैसे इंडिगो हो गया, तो ये सब जो है मैंने बना रखा है, ठीक है। तो ये सब होगा, ठीक है। उसके बाद फिर जो इंडियन क्लोथ्स थे, ठीक है, तो अब इनकी जो डिमांड भी ज़्यादा थी और साथ में जो इनकी प्राइस भी ज़्यादा थी, ठीक है। अब प्राइस क्यों ज़्यादा थी इनकी, ठीक है, तो देखिए इनकी प्राइस इसलिए ज़्यादा थी क्योंकि अब अगर हम बात करें जर्नी कॉटन की, ठीक है, कॉटन से जो कैसे क्लोथ बनता है तो इसके बीच में जो बहुत सारी प्रोसेसेस हुआ करते थे, ठीक है, स्पिनिंग, वीविंग, ठीक है, और फिर कुछ आदमी जो पहले कॉटन के जो क्रॉप्स को ग्रो करेंगे, ठीक है, उसमें भी जो बहुत ज़्यादा मेहनत लगता था। फिर कुछ लोग स्पिनिंग करेंगे, वीविंग करेंगे, ठीक है, अलग अलग जो काम हुआ करते थे, यानी कि जो एक कॉटन से जो क्लोथ बनाना, ठीक है, ये जो बहुत ज़्यादा हार्ड इसमें वॉकिंग करना पड़ता था, ठीक है, तो यानी कि बहुत मेहनत से जो क्लोथ बना करते थे, ठीक है। तो जब इतने मेहनत से जब क्लोथ बना करते थे तो ऐसा नहीं है कि जो है बहुत ज़्यादा मेहनत कर रहे हैं लोग, ठीक है, और बहुत चीपर रेट में जो है सामान दे दे, ठीक है, बहुत चीपर रेट में जो क्लोथ दे दे, ठीक है, तो फिर वो ऐसा भी नहीं कर सकते थे। इसलिए वो जो है मतलब ना चाहते हुए भी जो जो इंडिया के जो क्लोथ हुआ करते थे उनकी जो प्राइस थी वो ज़्यादा हुआ करती थी, ठीक है। लेकिन देखिए वही अगर हम बात करें यूरोपियन कंट्रीज़ की, ठीक है, जैसे जो ब्रिटेन हो गया, ठीक है, तो ये जो यूरोपियन कंट्रीज़ थी इस टाइम पर जो इनके पास जो इंडस्ट्रीज आ गई थी, यानी कि उस टाइम जो इन्होंने जो कॉटन की इंडस्ट्रीज़ बना ली थी, ठीक है, तो अब जब कॉटन की इन्होंने इंडस्ट्रीज़ बना ली थी तो इनको जो ज़्यादा हार्ड वर्किंग नहीं करना पड़ता था, ठीक है, जो इंडस्ट्रीज है तो उसमें जो तमाम मशीन्स लगे होते थे जिससे जो ये आसानी से जो जो कॉटन है उसको जो क्लोथ में जो कन्वर्ट कर देते थे। लेकिन इंडिया में ऐसा नहीं हुआ करता था, इंडिया में जो पहले जो इसको ग्रो करो फिर और भी तमाम जो बीच के प्रोसेसेस हुआ करते थे, ठीक है। इसलिए जो इंडिया में क्या होता था कि जो क्लोथ है वो हाई जो है प्राइस में मिलते थे, ठीक है, वो अगर हम यूरोपियन कंट्रीज़ की कॉटन की बात करें, क्लोथ्स की बात करें, तो वो जो जल्दी बन जाया करते थे, ज़्यादा मेहनत नहीं लगता था, इसलिए जो वो चीपर रेट में बेचा करते थे। इसलिए क्या होता था कि जो इंडियन क्लोथ है और जो यूरोपियन क्लोथ्स है, ठीक है, इनके बीच में जो हाई कंपटीशन भी जो हो गया था, ठीक है। तो यहाँ पे हुआ कि यहाँ पे फिर जो वीवर्स हुआ करते थे खासकर, ठीक है, इनको जो लॉस होने लगा क्योंकि पहले जो ज़्यादा डिमांड थी तो यहाँ से जो वीवर्स है मतलब जो ये बेचते थे कपड़े को, ठीक है, और फिर वहाँ से जो अलग अलग जो बाहर से जो लोग आते थे, ठीक है, जैसे यूरोपियन कंट्रीज़ के लोग आ रहे हैं, ठीक है, ट्रेडिंग कंपनीज, तो वो ले जाया करते थे। लेकिन जब यूरोप में जो इंडस्ट्रीज बन गए तो फिर जो इनको ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ करता था, ठीक है। उसके बाद फिर हुआ क्या कि जो इंडिया है, ठीक है, तो
इंडिया में भी क्या हुआ कि इंडिया में जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो बन गया, ठीक है। बना कब था? तो मुंबई में बना था, 1854 को बना था, ठीक है, ये आपको याद रखना है। तो फिर अब इंडिया ने सोचा कि जब और जो कंट्रीज है वो जो आगे बढ़ रहे, तो हम लोग फिर क्यों नहीं आगे बढ़ना चाहिए। फिर जो इंडिया में भी क्या किया गया कि इंडिया में जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री को जो क्या कर किया गया, इस्टेब्लिश किया गया, ठीक है, मुंबई में किया गया था 1854 में, ठीक है। लेकिन जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो इस्टेब्लिश किया गया इंडिया में, तो तब जो 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 वीवर्स होते थे उनको जो और ज़्यादा लॉस होने लगा, ठीक है। और ज़्यादा लॉस क्यों होने लगा? एक तो पहले से ही जैसे वीविंग कर रहे हैं वो लोग, ठीक है, फिर जो है उस क्लोथ्स को बेच रहे थे। अब जब जो है यूरोप में जब इंडस्ट्रीज बन गए, तो जो है अधिकतर लोग जो वहाँ से जो क्लोथ्स खरीदा करते थे, ठीक है। तो फिर यहाँ पर जो वीवर को लॉस हुआ। इनफैक्ट इंडिया में भी जो एक टेक्सटाइल इंडस्ट्री बन गया। तो अब टेक्सटाइल इंडस्ट्री जब इंडिया के लोग हैं, ठीक है, तो पहले तो बाहर के लोग जो है पहले इंडिया में आके जो है क्लोथ्स को खरीदा करते थे, लेकिन जब इंडस्ट्रीज लग गई, ठीक है, जब क्लोथ्स मिलने लगे, तो यूरोप के जो बहुत सारे लोग वहाँ से जो कपड़े खरीदे करते थे, क्योंकि जो है एक ये भी रीज़न था कि जो है बहुत चीपर रेट में जो सामान मिल जाता था, ठीक है, बहुत चीपर रेट में जो है क्लोथ्स मिल जाते थे, ठीक है। तो वहाँ पर जो थोड़ा सा जो इनका जो लॉस नहीं लगा वीवर्स का। फिर इंडिया में भी जो क्या हुआ, इंडिया में भी जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री आ गया, ठीक है। इससे हुआ क्या कि अब इंडिया के भी जो लोग हैं वो भी जो क्या हुआ कि क्योंकि इंडिया में फिर जो चीपर रेट में जो मिलने लगा क्लोथ्स, तो इंडिया के भी जो बहुत सारे लोग जो जो इंडस्ट्री से बने हुए जो क्लोथ्स थे उसको जो ये खरीदा करते थे। तो फिर जो वीवर्स से इनको जो और ज़्यादा लॉस होने लगा, ठीक है। लेकिन तब भी तो इंडिया है, जब इंडिया में जो है जब टेक्सटाइल इंडस्ट्री बना, तो इंडिया जो है फुल्ली जो है यूरोपियन कंट्रीज के साथ जो कंपटीशन जो है कर पा रहा था, ठीक है। अब देखिए, जब ये सब हो रहा था, तो अब सबसे पहले जो है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज जो बने थे इंडिया में, ठीक है, तो ज़्यादातर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज कहाँ में बन रही थी? गुजरात में और महाराष्ट्र में। इसके जो बहुत सारे रीजन्स है, जैसे कि जो गुजरात और जो महाराष्ट्र है, ठीक है, तो यहाँ पर जो क्या पाया जाता है, जो जिस सॉइल में जो है जो कॉटन जो अच्छे से ग्रो हो पाता है, ठीक है, उस टाइप के जो सॉइल मिलते हैं यहाँ पे, ठीक है। और साथ में जो लेबर्स होते हैं वो भी स्किल्ड होते हैं, यानी कि इनको जो पता रहता है कि जो क्या क्या काम करना है, ठीक है। उसके बाद फिर ह्यूमिडिटी, जिस टाइप की ह्यूमिडिटी जो है कॉटन को चाहिए होता है, उस टाइप की जो ह्यूमिडिटी है वो जो गुजरात और महाराष्ट्र में देखने को मिलता है, ठीक है। इसलिए अधिकतर जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होते हैं वो जो गुजरात और महाराष्ट्र में जो है जाते हैं। लेकिन फिर अब हुआ क्या कि इंडिया में जो है और भी जगह जो है टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज बनने लगे, ठीक है। इसका रीज़न ये था कि उस टाइम पे जो है ट्रांसपोर्टेशन जो था, ठीक है, वो भी जो है धीरे धीरे डेवलप होने लगा। अब पहले क्या होता था, जैसे कि किसी एक जगह पे जो कॉटन को ग्रो कर रहे हैं, तो उसके आसपास में इंडस्ट्रीज है, तो वहाँ पे जो है उस कॉटन को ले जाया जाता था। लेकिन जब ट्रांसपोर्टेशन जब क्या हुआ डेवलप होने लगा इंडिया में, तो अब जो है किसी भी जगह पे अगर जो कॉटन को ग्रो हुआ है, तो एक जगह से हम जो है हम लोग दूसरे जगह पे जो उस कॉटन को बहुत ईजिली ले जा सकते थे, ठीक है। तो इसलिए फिर क्या हुआ, जैसे कि जो कानपुर, ठीक है, चेन्नई, तो ये वाला जो रीजन है कानपुर चेन्नई, ठीक है, ये वाला रीजन में भी जो क्या होना स्टार्ट हो गया, जो है लुधियाना हो गया, ठीक है। तो इन सब रीजन में भी जो है जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री है ये जो है फ्लरिश होना स्टार्ट हो गया, क्योंकि अब आखिर कॉटन आखिर मान लीजिए वहाँ पे ग्रो नहीं भी होता है, तो फिर अब जो है जैसे कि जिस जगह पे जो कॉटन अच्छे से ग्रो हो पा रहा है वहाँ पे ग्रो होगा, और वहाँ से जो है वो ट्रांसपोर्ट होके चला जाएगा, ठीक है। तो ये सब चीज़ है इस तरीके से जो है इंडिया में जो है टेक्सटाइल, मतलब जो खासकर जो है जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, वो जो धीरे धीरे डेवलप होने लगा, ठीक है। तो ये चीज़ जो है हमने जान लिया कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। अब देखिए, जिस तरीके से जो है हमने जब आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के बारे में पढ़ रहे थे, उसमें जो है हमने जो कुछ जगह के बारे में जाना था, ठीक है, जहाँ पे जो है फेमस आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री है। इसी तरीके से जो फेमस आयरन एंड सॉरी कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्री है, ठीक है, वर्ल्ड में इंडिया में, इनको जो हम अपने आगे की वीडियोस में जानने वाले हैं, ठीक है, डिटेलिंग में। इसी के साथ ये जो हम लोग का वीडियो है ये कंप्लीट होता है। आपको कोई भी डाउट होता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।